नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप बीती जगबीती समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनील त्रिपाठी। खबर बाराबंकी से है। आपको बता दें, मंचा से इन संतों के सामने एसडीएम ने रामशरण पाठक को चेयरमैन पद की दिलाई शपथ। रामनगर बाराबंकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत रामनगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामशरण पाठक 11:30 बजे भूत भावन लोधेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर नगर की जनता के लिए कल्याण की कामना की। श्री पाठक के साथ लोधेश्वर के दर्शन करने तमाम उनके समर्थकों ने पूजन अर्चन किया। श्री पाठक लोधेश्वर के दर्शन करके वापस टाउन एरिया कार्यालय शपथ लेने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। नगर पंचायत रामनगर के नवनिर्वाचित चेयरमैन रामशरण पाठक एवं सभी सभासदों को रामनगर उप जिला अधिकारी तान्या यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ नगर पंचायत प्रांगण में दिलाई। तो वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम डॉक्टर आलोक शुक्ला व डॉक्टर संजय तिवारी के संयुक्त संचालन व शुभारंभ पंडित आनंद शुक्ला के वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हुआ। पूरा कार्यक्रम स्थल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत श्री बलराम दास जी महाराज तथा विशिष्ट अतिथि गोदायन दास जी महाराज रहे। तो वहीं शपथ ग्रहण के उपरांत उप जिलाधिकारी ने नवनिर्वाचित चेयरमैन व सभासदों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि बलराम दास महाराज व विशिष्ट अतिथि गोदायन दास अमरकंटक से आए हुए संत रामभूषण महाराज, गोपाल दास महाराज, संत भागवानंद का माल्यार्पण व अंगवस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया। सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्णमित्र शुक्ल ने आगंतुकों के स्वागत के गीत पढ़ा। शपथ लेने के उपरांत उपस्थिति जन समुदाय को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित चेयरमैन रामशरण पाठक ने आए हुए मुख्य अतिथियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने नगर की जनता को तीसरी बार चेयरमैन बनाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर की जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। नगर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ सुख दुख में हर वक्त खड़ा मिलूंगा और नगर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उन्होंने भरे मंच से घोषणा की, यदि कोई भी नगर पंचायत का कर्मचारी रिश्वत के नाम पर कुछ मांगता है तो आकर के मुझसे कभी भी उसकी शिकायत करें। उन्होंने कहा कि मैं 90 के आसपास से भाजपा में हूं। तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष ने उस समय मुझे भाजपा का नगर अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने कहा कि 1995 और 2017 में भाजपा से मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने चुनाव हरवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में था, हूं और रहूंगा। पार्टी को कुछ लोग बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई जनता जान चुकी। उन्होंने कहा कि नगर की जनता ने जो मुझे प्यार और दुलार दिया है उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। नगर के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इसके लिए मुझे चाहे रक्त का एक एक कतरा ही क्यों ना बहा देना पड़े। मुख्य अतिथि महंत बलराम दास ने कहा कि मोदी और योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर रामशरण पाठक चल रहे हैं। बलराम दास ने जनता को विश्वास दिलाया कि अन्याय व शोषण के विरुद्ध पाठक हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष रविकांत पांडे, कैलाश वत्स सिंह, चंद्रदेव सिंह, तेज प्रताप सिंह, राहुल सिंह, डॉक्टर बीवी सिंह, दिनेश सिंह, पिंटू सिंह, देवी प्रसाद मिश्र, घनश्याम शर्मा, आशाराम सोनी, हरिशंकर शुक्ला, कृष्ण मित्र शुक्ल, तेज प्रताप सिंह, महंत बीपी दास, पावन ओझा, कमलेश पांडे, मोहम्मद मुस्लिम, दिनेश शुक्ल, पिंटू सिंह, शीतला सिंह, रिंकू सिंह, पुतान दीक्षित, हरिनाथ शुक्ल, उमा शंकर शुक्ल, रवि शुक्ला, राम प्रकाश मित्र, संजीव मिश्रा, देवता ओझा, छब्बू तिवारी, अखिलेश पांडे, मनोज मिश्र, सीत अनिल अवस्थी, बंटी ओझा, कमलेश अवस्थी, रईस बेग, हाजी समीम, डॉक्टर शकील, कफील अहमद, वेद प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट, रामचंद्र वर्मा एडवोकेट, गौरी शंकर तिवारी एडवोकेट, शिवप्रकाश अवस्थी एडवोकेट, गिरजरेश शुक्ला एडवोकेट, रामचंद्र शुक्ल एडवोकेट, राम कुमार सोनी एडवोकेट, वीरेन तिवारी एडवोकेट सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रभारी निरीक्षक शिवनारायण सिंह, उप निरीक्षक श्रीनाथ मिश्र, महारानी दीन वर्मा सुरक्षा व्यवस्था में पूरे मुस्तैद दिखे। ये थी हमारे आप बीती जगबीती समाचार न्यूज के लिए बाराबंकी जनपद से स्पेशल एंकर रिपोर्ट।